नमस्कार दोस्तों, पिछले दो महीनों से चल रहा किसानों का एक पीसफुल प्रोटेस्ट अचानक से वायलेंट हो जाता है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन एक भीड़ रेड फोर्ट के अंदर घुसती है और अपना झंडा गाड़ती है। कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? कौन है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल? आइए गहराई से जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। पिछले कई हफ्तों से, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, जो किसान प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं ये सरकार के साथ बातचीत में लगे हुए हैं फार्म लॉस को लेकर। 11 से ज्यादा राउंड ऑफ टॉक्स ऑलरेडी हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। रिपब्लिक डे की ओकेजन पर किसानों ने सरकार को बताया कि एक ट्रैक्टर परेड करना चाहते हैं अपना प्रोटेस्ट जताने के लिए। कई कोशिशें करी गई इस ट्रैक्टर मार्च को रोकने की। सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली भी फाइल करी गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया। इवेंचुअली सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने एग्री कर लिया कि ठीक है, ये मार्च हो सकती है लेकिन हम डिफाइन करेंगे पहले से कि कौन से रूट्स पर यह मार्च होगी। और अब मैप में देख सकते हैं कि ये तीन रूट्स डिसाइड करे गए सिंघू, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर, कि 26 जनवरी को इस रूट पर ट्रैक्टर मार्च निकलेगी। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या इस ट्रैक्टर मार्च में, ये सब आप जानते ही हैं। कुछ फार्मर्स अपने ट्रैक्टर्स लेकर इन प्री डिफाइंड पाथ से अलग निकल गए। पुलिस के बैरिकेड्स थे, उन्हें ब्रीच किया गया, वो उसे पार करके अलग सड़कों पर चले गए, दिल्ली के अंदर गए। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए टियर गैस फेंकी, लाठी चार्ज हुआ और वायलेंस देखने को मिला दोनों ही साइड से। हमारे गोदी मीडिया ने एक तरफ के वायलेंस को बहुत दिखाया होगा आपको कि देखो ये कैसे किसान पुलिस वालों को मारने लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वायलेंस दोनों तरफ से देखने को मिला। इसके काफी वीडियोस हैं कि पुलिस वाले भी किसानों के ट्रैक्टर्स पर लाठियां चला रहे हैं, मारने लग रहे हैं उन्हें। किसने पहले वायलेंस शुरू किया हमेशा की तरह ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी वायलेंस हुआ दोस्तों वो कुछ स्पेसिफिक स्पॉट्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था, जैसे कि ITO पर। ऐसा नहीं था कि बाकी जो किसान थे सारे ही वायलेंस में इन्वॉल्व थे। 90% किसान फिर भी उन्हीं प्री डिफाइंड रूट से एक पीसफुल रैली निकाल रहे थे, लेकिन जहां पर ये बैरिकेड्स ब्रीच किए गए ये किसान रेड फोर्ट तक पहुंचे और इस रेड फोर्ट पर इन्होंने अपना झंडा लहराया। इस इंसिडेंट को लेकर बहुत से मीडिया चैनल्स ने और सोशल मीडिया पर एक स्पेसिफिक पार्टी के ट्रोल्स ने झूठी खबर फैलाई कि देखो कैसे इंडिया का झंडा इन्होंने उतार दिया है और अपना खालिस्तान का झंडा गाड़ दिया है लाल किले के ऊपर, और ये कंप्लीट फेक न्यूज है। तीन चीजें हैं। पहला तो ये कि ये खालिस्तान का झंडा नहीं है, निशान साहिब का फ्लैग है। ये वही फ्लैग है जो आपको गुरुद्वारों पर देखने को मिलेगा। इसमें सिंबल सेम इस्तेमाल कर रखा है लेकिन बड़े इजीली डिफरेंस बताया जा सकता है एक निशान साहिब के झंडे में और खालिस्तान के झंडे में। अगर आपको लग रहा है यहां पर जो सिंबल लगा है वो सेम सा लगा है तो ये खालिस्तान जैसा सा ही झंडा हुआ नहीं। मोदी जी ने खुद पहना था ये चिन्ह निशान साहिब का। अगर ये झंडे को आप खालिस्तानी कहोगे तो मोदी जी ने भी यहां पर खालिस्तान का अपने सर पर कपड़ा पहन रखा है, ऐसा नहीं है। इंडियन आर्मी ने भी निशान साहिब का झंडा इस्तेमाल किया है। दूसरी चीज, इंडियन तिरंगे को हटाया नहीं गया था ये झंडा लगाने के लिए, ये एक एम्प्टी पोल पे लगाया गया था। अगर आप दूसरे एंगल से ली गई पिक्चर्स को देखोगे तो आपको दिखेगा कि लाल किले के ऊपर सबसे ऊपर इंडियन तिरंगा ही लहरा रहा है। और तीसरी चीज, रिगार्डलेस ऑफ दीज फैक्ट्स, मेरा मानना है कि किसी भी रिलीजियस सिंबल का एक सरकारी बिल्डिंग पर होना सही नहीं है। तो मेरी राय में चाहे ये खालिस्तान का झंडा हो, निशान साहिब हो या किसी भी और धर्म का झंडा यहां पर हो, रेड फोर्ट पर लगना या किसी भी सरकारी बिल्डिंग पर लगना बिल्कुल गलत चीज है और मेरी राय में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जिन लोगों ने भी ये काम किया है उन्हें पनिश किया जाना चाहिए। लेकिन अगला सवाल यहां पर यह उठता है कि कौन लोग थे जिन्होंने ये काम किया, जो रेड फोर्ट पर गए और झंडा लगाया। यहां से दोस्तों हमारी कहानी में काफी ट्विस्ट शुरू होते हैं। एक ऐसे इंसान है दोस्तों जो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर रहे हैं कि हाँ वो रेड फोर्ट के ऊपर गए थे और इन्होंने निशान साहिब का झंडा लगाया था, और ये इंसान है पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू। इनफैक्ट ये लाइव स्ट्रीम करने लग रहे थे फेसबुक के ऊपर जब ये रेड फोर्ट के ऊपर मौजूद थे, और बाद में इस इंसिडेंट के एक और लाइव स्ट्रीम में ये बताते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया। अब इंटरेस्टिंग चीज ये दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि वहां खड़े सारे किसान दीप सिद्धू को सपोर्ट करने लग रहे थे कि जाओ वहां पर झंडा लगाओ। वीडियोस से इसका उल्टा ही सामने आया है। बहुत से किसान वहां खड़े होकर कह रहे थे कि वापस आ जाओ रेड फोर्ट से नीचे, हमें यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम बाहर प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं, झंडा लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज यह है दोस्तों कि दीप सिद्धू वही इंसान है जिन्होंने 2019 की लोकसभा इलेक्शंस में सन्नी देओल के लिए कैंपेनिंग करी थी जो कि बीजेपी की टिकट से लड़े थे। इनफैक्ट दीप सिद्धू की कई फोटोज मौजूद है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ भी।
इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी ने ही इन्हें भेजा था यहां पर रेड फोर्ट पर ये करने के लिए, क्योंकि टाइम के साथ साथ लोगों के ओपिनियंस बदलते रहते हैं। तो बहुत लाइकली है ये कि जब बीजेपी ने फार्म लॉज पास किए तो शायद इनके खुद के ओपिनियंस बदल गए हों, ये पहले बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उसके बाद उनके अगेंस्ट हो गए हों इन फार्म लॉज के पास होने के बाद, ये हो सकता है, वेरी लाइकली पॉसिबल है। लेकिन इसके बावजूद भी जो फार्म यूनियन के लीडर्स हैं, जो बाकी प्रोटेस्ट करने वाले किसानों के लीडर्स हैं, वो इन्हें एक बीजेपी का आदमी बुलाते हैं, और ये कहने के पीछे उनके कुछ और रीजंस हैं। पहला ये कि जब नवंबर के महीने में किसानों के प्रोटेस्ट शुरू हुए थे तो दीप सिद्धू ने कुछ बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दिए थे, जिसकी वजह से मीडिया को एक मौका मिल पाया था खालिस्तान शब्द को फार्मर प्रोटेस्ट शब्द के साथ जोड़ने का। अक्सर जो इनकी राय रही है वो फार्मर यूनियन के जो लीडर्स हैं उनसे काफी अलग भी रही है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से जनवरी 26 से पहले दिसंबर 2020 में ही कई फार्मर के लीडर्स ने इन्हें बैन कर दिया था कि तुम स्टेज पर आकर किसानों को स्पीच नहीं दे सकते क्योंकि तुम उन्हें भड़काने का काम कर रहे हो। दूसरी चीज, जब दीप सिद्धू रेड फोर्ट से वापस लौटे तो वहां आसपास मौजूद किसानों ने इनसे पूछा कि भाई ये क्या कर दिया है तुमने, ऐसा काम कर दिया जो हमारी पूरी मूवमेंट को बदनाम करके रख देगा, और इनके पास कोई जवाब नहीं था उन किसानों को देने को। इनफैक्ट एक वीडियो में दिखता है कि ये कैसे वहां से भाग निकले। तीसरी चीज, योगेंद्र यादव का कहना है कि 26 जनवरी से पिछली रात को दीप सिद्धू ने और एक और इंसान है जो कि एलिजिडली गैंगस्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन है, जिनका नाम है लखा सिधाना, इन्होंने प्रोटेस्टर्स को उकसाने की कोशिश करी और ये कहा कि हम इस प्री डिफाइंड रूट पर नहीं जाएंगे, हम इस रूट से रूट को तोड़कर दिल्ली के बीचों बीच जाएंगे। अपेरेंटली पिछली रात को हुआ क्या कि रूट मैप ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था, लेकिन कुछ यंग लोग थे प्रोटेस्टर्स में जो कह रहे थे कि हम इतनी बाहर बाहर से नहीं एक रैली निकालेंगे, हम दिल्ली के और अंदर जाना चाहते हैं, आउटर रिंग रोड में जाना चाहते हैं। तो ऐसे में एलिजिडली लखा सिधाना स्टेज पर पहुंचे और प्रोटेस्टर्स को प्रॉमिस किया कि तुम आउटर रिंग रोड पर प्रोटेस्ट कर सकोगे, और सजेस्ट किया कि KMSC के ट्रैक्टर्स को फॉलो करना। यहां पर एक चीज समझनी बहुत जरूरी है दोस्तों, हम जब प्रोटेस्ट करने वाले किसानों की बात करते हैं तो अपने माइंड में हम उन्हें एक ब्लॉक की तरह देखते हैं, मीडिया भी अक्सर उन्हें ऐसा ही दिखाता है कि ये हैं प्रोटेस्ट करने वाले किसान, ये सब एक तरह की सोच रखते हैं, एक तरीके से ही एक्शंस लेते हैं। लेकिन रियलिटी में दोस्तों 40 से ज्यादा फार्म यूनियंस हैं जो साथ में आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, और कई बार ऐसा होता है कि इनके बीच में डिसएग्रीमेंट्स होती हैं। इनमें से एक है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी यानी KMSC। बाकी फार्म यूनियंस का कहना है कि जो ट्रैक्टर्स पहली बार रूट से डाइवर्ट किए थे और बैरिकेड्स तोड़कर पुलिस के गलत रूट पर गए थे वो KMSC के ही ट्रैक्टर्स थे, क्योंकि पिछली रात को ये डिसाइड करके बैठे थे कि हमें तो आउटर रिंग रोड पे जाना है और हम आउटर रिंग रोड पर जाएंगे। इनफैक्ट बाकी फार्मर के यूनियंस ने अक्सर KMSC को एक्यूज किया है कि ये प्रो गवर्नमेंट स्टांस लेते हैं हमेशा, और बार बार ये भी देखने को मिला है कि जो बाकी यूनियंस के ओपिनियंस हैं डिस्कशंस पर वो अलग ही होते हैं KMSC से। संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM, ये मेन फ्रंट है प्रोटेस्ट करने वाले किसानों का, ये एक ग्रुप है अलग अलग यूनियंस का, इन्होंने ब्लेम किया है KMSC को और दीप सिद्धू को वायलेंस के पीछे जो 26 जनवरी के दिन हुआ। इनका खुद का कहना है कि इनका कोई इरादा नहीं था उस प्री डिफाइंड रूट से बाहर निकलने का, लेकिन KMSC के ट्रैक्टर्स जब ब्रीच करके उस रास्ते में गए तो पीछे कई ट्रैक्टर्स उन्हें फॉलो करने लग गए और इस तरह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ। KMSC को प्रो गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है? SKM का कहना है कि पहली चीज तो सरकार ने इन्हें एक स्पेशल एनक्लोजर दिया धरने पर बैठने के लिए, दूसरी चीज इनका जो धरना था वो पुलिस वाली साइड पे जो बैरिकेड लगे हैं वहां इनका धरना शुरू हुआ था, और 13 दिन हमारे धरने के बाद इनका धरना शुरू हुआ। एक और इंटरेस्टिंग चीज, दिल्ली में प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले पंजाब में रेल रोको आंदोलन की बात करी जा रही थी कि जो ट्रेनें आएंगी हम उन्हें रोक देंगे, ये जो आइडिया था ये KMSC ने ही दिया था, और एजिटेशन भी उन्होंने शुरू करी थी, जबकि बाकी जो फार्म यूनियंस थे वो इसे डिसएग्री कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं करना कि हम ट्रेनों को रोकेंगे। तो इस सब के रिस्पांस में KMSC का क्या कहना है? KMSC के जो लीडर हैं दोस्तों वो कहते हैं कि हमारे जो लोग थे वो तो पीसफुल ही थे, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स बीच में आ गए जिन्होंने ये सब हंगामा मचा दिया। अब आते हैं दोस्तों पुलिस के रोल पर। हमारी पुलिस फोर्स वैसे तो बड़ी स्ट्रांग पुलिस फोर्स है, क्योंकि अगर आपको याद हो जब ये किसानों के प्रोटेस्ट शुरू हुए थे तो पुलिस वालों ने बकायदा हाईवेज खुदवा दिए थे, बड़े सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए थे, इतने बड़े बड़े बार्ब वायर्स लगी थी कि कोई उन बैरियर्स को क्रॉस ही ना कर पाए। लेकिन 26 जनवरी जितने इंपॉर्टेंट दिन को, जब सवाल लाल किले जितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने का था, तो पुलिस कहीं दिखाई ही नहीं दी।
न्यूज चैनलों ने जब ग्राउंड पर मौजूद लोगों से बात करी, पूछा कि रेड फोर्ट के अंदर क्यों गए आप लोग, तो उन्होंने बताया कि पुलिस ने दरवाजे खोल के रखे थे हमारे लिए, उन्होंने हमें अंदर जाने दिया बिना किसी प्रॉब्लम के। बताइए आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखचैन सिंह है भाई। सुखचैन सिंह, आप ऊपर चढ़ गए थे? हाँ जी। झंडा फहराने में आप थे? हाँ जी। तो वहाँ से कैसे हटे, नीचे आए कैसे? वहाँ पे भाई ये लोगों ने कुछ अत्रु गैस के गोले छोड़े और पहले हम लोग को ऊपर जाने की इजाजत दिया, बाद में लोगों ने लाठी चार्ज कर दिया। ऐसे वीडियोस भी सामने आए जहाँ पर दिख रहा है कि पुलिस वाले आराम से बाहर कुर्सियों पर बैठे हुए हैं रेड फोर्ट के और तमाशा होते हुए देख रहे हैं। वहां पर झंडा लगाया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई कोशिश नहीं की जा रही उन्हें रोकने की। तो यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या पुलिस ने जान पूछ कर प्रोटेस्टर्स को रेड फोर्ट के अंदर घुसने दिया और ये काम करने दिया? दूसरी चीज, पुलिस ने कई जगहों पर लाठी चार्ज किया, टीयर गैस का इस्तेमाल किया प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, कई जगहों पर खड़े हुए लोग जो कुछ कर भी नहीं रहे थे उन पर भी लाठी चार्ज किया गया। लेकिन जब बात रेड फोर्ट वाले इंसिडेंट की आई तो वहां पर दीप सिद्धू और उनके सपोर्टर्स जैसे लोग रेड फोर्ट के ऊपर तक पहुंच गए, वापस भी चले गए बाइक पर, लेकिन उनको कोई खरोच तक नहीं आई। शायद यही रीजन है दोस्तों कि एसकेएम ने यहां अलेज किया है कि ये पूरा रेड फोर्ट का इंसिडेंट और 26 जनवरी के दिन जो भी हुआ ये सब सरकार की एक साजिश थी कि यहां पर ये काम होने दिया जाए और बाद में मीडिया का इस्तेमाल करके कैसे सारे प्रोटेस्टर्स को बदनाम किया जा सके, कैसे बाद में बताया जा सके कि ये सारे के सारे लोग जो प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं ये सब के सब गुंडे हैं या तो खालिस्तानी हैं, और फिर इसे एज एन अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल किया जाए इन प्रोटेस्ट को बंद कराने के लिए। इसमें आपकी क्या राय है दोस्तों, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। मेरी राय में इसमें कोई शक नहीं, यहां पर सरकार को एक मौका मिल गया है, एक्सक्यूज मिल गया है प्रोटेस्टर्स को दबाने का, प्रोटेस्ट बंद करवाने का। इसलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं जिस पर आप थोड़ा सोचें, जरा सोचकर देखिए दोस्तों, अगर 26 जनवरी के दिन ये पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाते हैं तो इससे फायदा किसका होता है और नुकसान किसका होता है? ये प्रोटेस्ट वायलेंट होने से पब्लिक का सपोर्ट किसकी तरफ ज्यादा जाएगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इन सारी चीजों के बारे में सब जनता को पता लग सके जो चीजें मीडिया आपसे छुपाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।